और सिंपल हार्मोनिक मोशन वो वाइब्रेशन करता है वो हमने पढ़ भी लिया है तो आंसर बस यही आया ए वाली ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मैस जो है मैस ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ थ्री देखिए मैस को आपने इंक्रीज कर दिया तो उसके बाद फिर द पीरियड ऑफ पेंडुलम मोशन जो टाइम पीरियड है उसको क्या होगा तो ये आप पहले स्टडी कर चुके हैं टाइम पीरियड का फार्मूला टू पाए रूट ऑफ एल ओवर जी है इसमें मैथ आता ही नहीं है इसलिए आप मैथ को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा तो फिर ये ऑप्शन बी वाली रिमेंस सेम कर दीजिए नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो स्ट्रिंग पे नहीं आती सिर्फ इस पे ट्रांसवर्स आती हैं रिपल टैंक में भी ट्रांसवर्स आती हैं और ट्यूनिंग फोर्क ये लॉन्गिट्यूडनल वेव देता है तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग है ये आंसर है इसमें दोनों वेव्स यानी सिलिंकी में दोनों वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं ये पेज नंबर नाइन पे देखें ये सिलिंकी है यानी वेव्स वेव ऑन लॉन्गिट्यूडनलिंकी इसमें ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं ना तो सिलिंकी से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बन सकती है और पेज नंबर टेन पे ये देखिए इसी हेलिकल स्प्रिंग यानी से ट्रांसवर्स वेव बनी हुई है देखिए ट्रांसवर्स वेव ऑन तो इस तरह थर्ड का आंसर हमारा वही था स्प्रिंग वाला आगे वेव्स ट्रांसफर करती हैं। क्या करती है एनर्जी यही हमने पढ़ा है तो ना तो वो एनर्जी ही करते हैं है, कंडक्शन से भी होती है आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है रेडिएशन से भी एनर्जी ट्रांसफर वेव मोशन टेन में पढ़ लिया है तो फिर इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज तो नेक्स्ट है जी इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम तो स्पीड सेम होगी या फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ बस स्पीड ही सेम होगी तो so ये ना स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट की स्पीड ये आपने पढ़ा होगा थ्री इंटू टेन टू पावर ऑफ एट मीटर पर सेकेंड स्पीड नहीं चेंज होती फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट वेव्स की डिफरेंट होती है और एम्पलीट्यूड भी और वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है तो so फिर इसका आंसर स्पीड ही आएगा क्योंकि स्पीड आपको तो देख लिया है कॉन्स्टेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यानी लाइट की नेक्स्ट अलार्ज रिपल टेंट

टू सेंटीमीटर वेवलेंथ आगी ना आपके पास तो अब आप स्पीड कर लें तो फार्मूला ये लगेगा। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो तो मीटर में लिखे में तो भी लिखेंगे ना तो थर्टी सेंटीमीटर तो आपके पास इस तरह बी वाला है नेक्स्ट देखें विच ऑफ देखिए स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं इस रिलेशन से एम्पलीट्यूड एक जो है ना वो इन तीनों से इंडिपेंडेंट है और नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज तो ये तो हमने पहले वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा जैसा ये एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी लिखा है तो ये आंसर है हां जी थैंक यू